ग्वालियर की लाइफलाइन तिघरा डैम के लंबे इंतजार के बाद गेट खोल दिए गए हैं। कई सालों बाद यह मौका आया है जब तिघरा डैम लबालब हो गया है। तिघरा के 739 फीट के पार होते ही जल संसाधन विभाग ने आसपास के गांव में मुनादी कराने के बाद सायरन बजाकर 7 गेट खोले हैं। झमाझम बारिश के बीच तिघरा डैम का सुंदर नजारा है, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। जी, हमारे तिगरा बांध में 7 गेट है और आज WRD की टीम के द्वारा सुबह हमारा पूरा जो FPL इसका रीच होने के वजह से आज सुबह सभी 7 गेट को खोला गया है। और इसी तरह तब में जो नीचे हमारे गांव हैं, इन सभी गांवों को, ग्रामीण क्षेत्रों को हम लोगों ने अलर्ट किया है जो कैनाल के साइड साइड से है। वहाँ पर हमारी पंचायतों की टीम्स भी पूरी एक्टिव है, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको एक्टिव किया गया है। SDRF की जो टीम है उनको भी सतत पेट्रोलिंग पर लगाया गया है, तो हम लोग सावधानी सब बरते हुए हैं। कई सालों बाद गेट खुला है, तो किस तरीके का? पिछला वर्ष मैं कहूँगी जो गर्मी का सीजन रहा वो कठिन रहा, क्योंकि उसके एक वर्ष पहले औसत से काफ़ी कम बरसात ग्वालियर में हुई थी, तो एक डिफिकल्ट समर सीजन रहा। तो आज जब ये पूरा बांध हमारा भर गया है और जून, जुलाई, सितंबर तीनों मंथ्स में ग्वालियर में अच्छी बरसात हुई है, उसी का रिजल्ट है। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज है कि आने वाला एक साल हमारा कम्फर्टेबल बीतेगा। लेकिन साथ ही हम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें भी हम जल का अपव्यय ना करें और जितने मिनिमम में गुजारा हो सकता है उतना ही पानी प्रयोग करें। आज पूरे ग्वालियर शहरवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारा तिगरा भर गया और गेट भी खोले गए हैं। अब पूरे शहरवासियों को जल रोज दिया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ महीनों से हमारे पूरे शहरवासी पानी की समस्या से जी रहे थे, जो कि आज इंद्रदेव की ऐसी मेहरबानी हुई कि हमारे तिगरा के गेट खुल रहे हैं और लोगों को पानी पानी मिलेगा।